लंका थाना अंतर्गत नगवां पुलिस चौकी के ठीक सामने दुकानदारों और महिला किरायेदारों के बीच जमकर बवाल हुआ। इसमें दो महिलाओं से भी मारपीट की गई। हाथापाई के दौरान एक एडवोकेट ने एक लड़की को जोर से लात मारी। वकील रह रहकर महिला किरायेदार पर भी अपनी लात तानता दिख रहा था। धक्का मुक्की के बीच काफी देर तक गाली गलौज भी हुई। इस दौरान महिलाएं सड़क पर चिल्लाती भी रहीं। किरायेदारों में से एक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी ज्वेलरी की दुकान है, इसमें 50 लाख की ज्वेलरी थी। मकान मालिकों द्वारा पूरी दुकान लूट ली गई। अब जबरन बंद करके हम लोगों को घसीटकर बाहर किया गया। इनके साथ ही इनके वकील भी हम लोगों पर लात चला रहे हैं। ये दुकान ज्योति ज्वेलर्स के नाम से है। दुकान मालिक ज्वेलरी की दुकान खाली कराने वकील के साथ पहुंचे। लोगों पर महिलाओं ने अभद्रता के भी आरोप लगाए, कहा कि दुकान का पूरा सामान उठाकर ले गए। चलती फिरती ज्वेलरी शॉप को बंद कराया गया। कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बीच में ही दुकान पर जबरन ताला लगा दिया गया। इस दौरान महिलाएं पुलिस से भी गुहार लगाती दिखीं। ज्योति सेठ, मेरा पिताजी का दुकान था सर 25 साल से, ये नगवा चुंगी पे, नगवा चुंगी है, ज्योति ज्वेलर्स के दुकान नाम से दुकान था सर, वो 25-30 साल से दुकान था। एक दिन अचानक 12 बजे रात को, ठंडी का मौसम था, पूरा हम लोग देखे सुबह तो पूरा सीमेंटेड कर दिए थे मकान मालिक जो है, फिर केस चल रहा था। तो सर आज केस खत्म हुआ है, तो फिर ये हुआ कि सामान देखे दुकान खोले, बुलाए हैं अपने कमिश्नर को, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सामान ही नहीं है, बस एक पानी का बोतल है। 50 लाख का पूरा सामान था अंदर, पूरा शोरूम था। और आज भी मेरे पास फोटो है, पूरा सामान मकान मालिक है। आपको इसके बारे में सूचना नहीं थी? नहीं तो सर, नहीं मेरा, हमको तो लग रहा था मेरा सामान अंदर है, केस खत्म होगा। सर चैनल खोला गया था कि देखिए क्या है क्या नहीं है पूरा, तो देख रहे हैं। तो फिर जब हम पहुंचे वहाँ पे, तो उनको दरवाजा बंद करने से रोक रहे थे। तो सर वो जो वकील है ना सर, जो भी नाम उनका नहीं पता, लेकिन वो रोक रहे थे विजय शंकर मौर्य, और सब लोग भाग रहे थे सर। लंका थाने पर